नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मन से लर्निंग चैनल में। बहुत सारे कमेंट आए थे कि स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिकली बताएं, तो इसी को लेकर आज का वीडियो बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, कैसे स्क्वायर फीट निकालते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ रेड कलर का एक आर्क ले रहा हूँ जिसका मैंने स्क्वायर फीट निकालना है। दोस्तों इस एरिए में पूरी टाइल लगी हुई है, तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई मापेंगे कितनी इसकी लंबाई है। ये 4 फीट है दोस्तों। उसके बाद इसकी लेंथ ऊपर से नीचे मापी जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, रेड कलर का साइन आ गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक ये हमने लेंथ मापनी है। ये 5 फीट है दोस्तों। तो अब इसके स्क्वायर फीट बनाने होंगे तो हमें 4 को 5 से गुणा करना होगा या 4 × 5 करना होगा। जो आंसर आएगा वो इसके स्क्वायर फीट होंगे। 4 और 5 को आपस में गुणा कर लिया, ये गुणा आप कैलकुलेटर से या अपने आप कर सकते हैं। 4 × 5 = 20 होता है, तो 20 स्क्वायर फीट इसके बन चुके हैं। तो दोस्तों 20 स्क्वायर फीट एरिया में ये सारी टाइल्स लगी हुई है। इसके बाद एक थोड़ा टिपिकल हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपका हाइट और ब्रेड्थ या लेंथ और ब्रेड्थ फुट और इंचेस में दी होगी। तो यहाँ ऊपर वाली लंबाई दोस्तों 4 फीट 9 इंच दी गई है और ऊपर से नीचे तक की जो लंबाई है दोस्तों वो 5 फीट 8 इंच दी गई है। तो इसके स्क्वायर फीट बनाने हों तो सबसे पहले 4 फीट 9 इंच को आपने फीट में बदलना है। फीट में बदलने का तरीका दोस्तों 4 × 9/12 होगा और ये आ जाएगा 4.75 फीट। इसी तरह 5 फीट 8 इंच को जब बदला जाएगा तो दोस्तों ये 5.66 फीट बन जाएंगे। अब इसके स्क्वायर फीट बनाने हैं तो 4.75 को 5.66 से गुणा किया जाएगा जो कि 26.88 स्क्वायर फीट होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन